साथियों आज यानी 20 अक्टूबर को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का 18वां मुकाबला क्रिकेट इतिहास की दो खतरनाक टीमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। और आपको बता दें साथियों ये मुकाबला चेन्नई के बेंगलुरु में खेला गया, जहां पर पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले को गलत साबित करते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपन करने आए ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने पाकिस्तान की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए। शाहीन अफरीदी के पहले ही ओवर में छक्का लगाकर ऑस्ट्रेलिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाई। पहले ही ओवर में विस्फोटक शुरुआत मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि पारी के पांचवें ओवर में जब शाहीन अफरीदी गेंदबाजी करने आए थे, तब डेविड वार्नर महज 16 रनों के निजी स्कोर पर थे और शाहीन अफरीदी की गेंद पर पाकिस्तान के उस्मान मीर ने डेविड वार्नर का कैच ड्रॉप करके डेविड वार्नर को जीवन दान दिया। फिर क्या था, डेविड वार्नर ने इस जीवन दान का जबरदस्त फायदा उठाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 39 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। डेविड वार्नर के अर्धशतक पूरा करने के बाद मिचेल मार्श कहां पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने भी 40 गेंदों पर न सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया बल्कि ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को महज 12 ओवर की समाप्ति तक 110 रनों के पार पहुंचा दिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के इन दोनों बल्लेबाजों ने और भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी, हारिस रोप और हसन अली का गुरूर तोड़ते हुए डेविड वार्नर ने पहले महज 84 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के सहित इस वर्ल्ड कप का अपना पहला शतक लगाया। तो वहीं डेविड वार्नर के बाद मिचेल मार्श ने भी 100 गेंदों पर 6 छक्कों सहित अपना शतक लगाया और 32 ओवर खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, शतक पूरा होने के बाद खासकर मिचेल मार्श और भी खतरनाक हो गए और पाकिस्तान की तरफ से पारी का 34 ओवर लेकर आए। शाहीन अफरीदी की पहली 4 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर 16 रन कूट दिया, लेकिन शाहीन अफरीदी ने अपनी 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श को उस्मान मीर के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान को पहली सफलता दिलाई। मिचेल मार्श ने आउट होने से पहले 107 गेंदों पर 10 चौके और 9 छक्कों की मदद से 121 रनों की पारी खेली। इस दौरान मिचेल मार्श ने डेविड वार्नर के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए रिकॉर्ड 259 रनों की साझेदारी भी की। मिचेल मार्श के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मैक्सवेल, और मैक्सवेल मैदान पर आने के बाद पहली ही गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में शाहीन अफरीदी के इसी ओवर में बाबर आजम के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। शाहीन अफरीदी ने 34 ओवर में पाकिस्तान को 2 लगातार सफलता दिलाई। मैक्सवेल के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने आए स्टीव स्मिथ, लेकिन स्टीव स्मिथ भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और पाकिस्तान की तरफ से पारी का 39वां ओवर लेकर आए उस्मान मीर की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। जिस समय स्टीव स्मिथ आउट हुए उसमें ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 284 रन। स्मिथ ने आउट होने से पहले 7 रनों की पारी खेली थी। स्मिथ के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने आए मार्क स्टाइनिस। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जब 269 रन था तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का कोई भी विकेट नहीं गिरा था, लेकिन 284 रनों तक पहुंचते ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, लेकिन डेविड वार्नर ने उसके बाद भी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखा और पारी के 40वें ओवर में छक्का लगाकर न सिर्फ अपने स्कोर को 116 गेंदों पर 150 रनों में तब्दील किया बल्कि ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को भी 300 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 325 रन था उस दौरान पाकिस्तान की तरफ से पारी का 43वां ओवर लेकर आए हारिस रोप ने डेविड वार्नर को आउट करके पाकिस्तान को बड़ी सफलता दिलाई। वार्नर ने आउट होने से पहले 124 गेंदों पर 14 चौके और 9 छक्कों की मदद से 163 रनों की पारी खेली थी। वार्नर के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस इंग्लिश, लेकिन वार्नर के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम पूरी तरीके से लड़खड़ा गई और जहां एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में तकरीबन 420 या 430 रन बनाएगी, तो वहीं वार्नर के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान के गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट के नुकसान पर 266 रनों पर ही रोक दिया। पाकिस्तान की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे शाहीन अफरीदी, जिन्होंने 10 ओवर की गेंदबाजी में 54 रन देकर 5 सफलता दिलाई अपनी टीम को। तो वहीं दूसरे सबसे सफल गेंदबाज रहे हारिस रऊफ, जिन्होंने 8 ओवर में 88 रन देकर 3 सफलता दिलाई अपनी टीम को। पाकिस्तान से मिले 367 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज अब्दुल्ला सफीक और इमामुल हक ने पाकिस्तान को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। पाकिस्तान के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने पहले ओवर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 17 ओवर की समाप्ति तक बिना किसी विकेट के नुकसान के पाकिस्तान के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इस दौरान पाकिस्तान के बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज इमामुल हक ने 50 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, तो ही अब्दुल्ला सफीक ने 51 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। पाकिस्तान के इन दोनों बेहतरीन बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया से मिले 367 रनों का लक्ष्य इन दोनों के सामने बौना साबित हो जाएगा, लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 22वां ओवर लेकर आए मार्क स्टोइनिस ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर अब्दुल्ला सफीक को मैक्सवेल के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान को पहला झटका दिया। जिस समय अब्दुल्ला सफीक आउट हुए
इस समय पाकिस्तान का स्कोर था 134 रन। शफीक ने आउट होने से पहले 61 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से और 2 छक्कों की मदद से 64 रनों की पारी खेली थी। शफीक के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, और बाबर आजम ने मैदान पर आने के बाद 2 खूबसूरत चौका लगाकर अपनी पारी को बेहतरीन शुरुआत दी। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 24 ओवर लेकर आए मार्क स्टैनिस ने अपने ओवर की 4th गेंद पर पाकिस्तान के बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज इमामुल हक को मिचेल स्टार्क के हाथों का आउट कराकर स्टैनिस ने पाकिस्तान को एक और झटका दिया। जिस समय इमामुल हक आउट हुए उस समय पाकिस्तान का स्कोर था 154 रन। इमामुल हक ने आउट होने से पहले 71 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 70 रनों की पारी खेली थी। इमामुल हक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान की तरफ से 4 नंबर पर मोहम्मद रिजवान, लेकिन मोहम्मद रिजवान मैदान पर आए थे किसी बीच ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 27 ओवर लेकर आया एडम चैंपर ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पैट कमिंस के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दिया एडम चैंपर ने। जिस समय बाबर आजम आउट हुए उस समय पाकिस्तान का स्कोर था 175 रन। बाबर आजम ने आउट होने से पहले 14 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 18 रनों की पारी खेली थी। बाबर आजम के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने आए साउद शकील ने मैदान पर आने के बाद पाकिस्तानी विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 4th विकेट के लिए मुश्किल समय में 46 गेंदों पर 57 रनों की पार्टनरशिप करके पाकिस्तान के स्कोर को 34 ओवर की समाप्ति तक 232 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 35 ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने साउथ शकील को मार्क स्टैनिस के हाथों कैच आउट कराकर पैट कमिंस ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। शकील ने आउट होने से पहले 31 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 30 रनों की पारी खेली थी। शकील के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज इफ्तिकार अहमद ने मैदान पर आने के बाद 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर मैच को पूरी तरीके से पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया। जिस अंदाज में इफ्तिकार अहमद बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान निश्चित ही इस स्कोर को 45 से 46 ओवर में चेस कर ले जाएगी। इफ्तिकार अहमद और मोहम्मद रिजवान ने महज 18 गेंदों पर 40 रनों की ताबातोड़ पार्टनरशिप करके मैच को आसान बना दिया। लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 39वां ओवर लेकर आए एडम चैंपर ने इफ्तिकार अहमद को LBW आउट करके पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। अहमद ने आउट होने से पहले 20 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्कों सहित 26 रनों की पारी खेली थी। इफ्तिकार अहमद के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद नवाज। इफ्तिकार अहमद के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद थे मोहम्मद रिजवान, और रिजवान ने भरपूर कोशिश की। लेकिन एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी का 41 ओवर लेकर आए एडम चैंपर ने रिजवान को LBW आउट करके पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया। रिजवान ने आउट होने से पहले 40 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 46 रनों की पारी खेली थी। रिजवान के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ मोहम्मद नवाज के 16 रनों की पारी को छोड़कर कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाया, और पूरी पाकिस्तानी टीम 45.3 ओवर में 305 रनों पर ऑल आउट हो गई और इस मुकाबले को 62 रनों से हार गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे एडम चैंपर, जिन्होंने 10 ओवर की गेंदबाजी में 53 रन खर्च करके 4 बड़ी सफलता दिलाई अपनी टीम को।